अगर तुम्हें पता ही नहीं कि कलिंग गेम्स क्यों हो रहा है और इसके पीछे केंजाकू का असली प्लान क्या है, तो सच में तुम्हें कलिंग गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। गेटो की बॉडी लेना, जानबूझ कर इतादोरी नानामी को महितो के साथ फाइट कराना, गोजो को सील करना और एट लास्ट महितो को एक्सोसिस करना, हर एक चीज सोचा समझा प्लान था। तो एग्जैक्टली कलिंग गेम्स है क्या? ये एक डेडली कॉम्पिटिशन है जिसे केंजाकू ने क्रिएट किया था अपने गोल्स को पाने के लिए। इस गेम में सारे प्लेयर्स को एक दूसरे से जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है और कॉम्प्लेक्स रूल्स के साथ उनकी एबिलिटीज को उनके लिमिट्स तक पुश किया जा रहा है। केंजाकू का असली प्लान तो कलिंग गेम शुरू होने से काफी टाइम पहले शुरू हो गया था। वो अपने गोल्स को पाने के लिए हर एक इवेंट में हेर फेर कर रहा था और एग्जैक्ट टाइम पर कर्स स्पिरिट्स को रिलीज कर रहा था और ये चीज देख रहा था कि हर एक चीज उसके हिसाब से हो। और अगर शुरू से शुरुआत करें तो केंजाकू एक 1000 साल पुराना एंशिएंट सॉर्सरर है जिसके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो अपनी बॉडीज को बदलते हुए इतने टाइम तक जिंदा रहते आ रहे हैं, लेकिन अभी अपने गोल को पाने के लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए थी और गेटो की बॉडी केंजाकू के लिए सबसे बेस्ट बॉडी थी। अब बॉडी तो मिल गई, लेकिन अभी प्लान के सबसे बड़े रस्ते के कांटे को हटाना था और वो था गोजो सातोरू। केंजाकू के पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी तो थी लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी नहीं थी। केंजाकू ये चीज अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो किसी भी तरीके से गोजो को मार भी दे तो पावर को बैलेंस करने के लिए एक और सिक्सा यूजर पैदा हो जाएगा। तो गोजो को मारने के बदले केंजाकू ने गोजो को सील करने का फैसला किया और एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल प्रिज्म रैल में गोजो को सील कर दिया। और गोजो फिर अनसील कैसे हुआ ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और केंजाकू के पास ये प्रिज्म रैल गेटो की बॉडी लेने से पहले से उसके पास था और गोजो को सील करने के बाद जितने हो सके उतने सोर्सर्स को अपने रास्ते से हटा सके हटाया और इसीलिए शिबुया आग में इतनी सारी डेथ्स हुई। और केंजाकू का शिबुया आग का गोल भी यही था कि हाय अनबीटेबल सोर्सर्स को अपने रास्ते से हटाओ। और जब केंजाकू महितो से पहली बार मिला तभी केंजाकू को महितो के पावर्स चाहिए थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। गेटो के जुजुत्सु के हिसाब से जब तुम किसी भी कर्स स्पिरिट को एक्सोसिस करते हो तो वो तुम्हारे बॉडी में आ जाती है और जब वो तुम्हारे बॉडी में आ जाती है तब वो ना कभी अपने पावर लेवल को इंक्रीज कर सकती है और ना ही डिक्रीज कर सकती है। उसकी पावर एक कांस्टेंट लेवल पर आ जाती है और केंजाकू को एक स्ट्रॉन्ग आइडल ट्रांसफिगरेशन की जरूरत थी और उस समय महितो बहुत ही ज्यादा वीक था और इसलिए केंजाकू ने महितो को कई सारे सोर्सर्स से लड़वाया। और जब इतादोरी और नानामी की बारी आई तब महितो ने पहली बार डेथ को फील किया और पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर अपने डोमेन को खोल लिया। और शिबुया आर्क में तो महितो ने अपने ट्रू फॉर्म को अचीव कर लिया था और यही मोमेंट था जिसका केंजाकू वेट कर रहा था। और इतादोरी महितो को मार दे उससे पहले ही केंजाकू ने महितो को एग्जॉस्ट कर लिया और उसके पावर्स के साथ कलिंग गेम्स को सेटअप कर लिया। और कलिंग गेम्स शुरू करने का केंजाकू का असली प्लान तो ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना था और ये चीज केंजाकू टेंजेन को जापान के हर एक ह्यूमन के साथ मर्ज करके करने वाला था। और जब टेंजेन ह्यूमंस के साथ मर्ज होगा तभी कर्स एनर्जी से भरी हुई पावरफुल कर्स स्पिरिट्स पैदा हो जाएगी और ह्यूमंस को कर्स एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। और केंजाकू यही चाहता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ पावरफुल लोग ही जिंदा रहें और इसीलिए कलिंग गेम्स की शुरुआत की कि गेम में जब सब एक दूसरे से लड़ेंगे तभी सिर्फ पावरफुल लोग ही जिंदा रहेंगे। और अगर तुमने इस गेम को नहीं खेला तो इस गेम के रूल्स के हिसाब से तुम्हारी कर्स एनर्जी रिमूव हो जाएगी और तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाओगे। और अगर तुम्हें इस गेम को रोकना है तो तुम्हें इस गेम के गेम मास्टर केंजाकू सुकुना और उरावमे को मारना पड़ेगा और तभी ये गेम रुकेगा। और कलिंग गेम्स को 100 से भी ज्यादा सोर्सरर्स खेल रहे हैं और इस गेम में सोर्सरर्स मारने पर 5 पॉइंट और कर्सर्स को मारने पर 1 पॉइंट मिलेगा, तो कोई बेवकूफी होगा अपनी कर्स एनर्जी कर्सर्स को मारने पर जाया करे। और इस पॉइंट से ही तुम इस गेम में जिंदा रह पाओगे और इस गेम के रूल्स के हिसाब से अगर तुम्हारे पॉइंट्स कांस्टेंट रहे पूरे गेम में तो तब भी तुम्हारी कर्स एनर्जी रिमूव हो जाएगी, यानी तुम्हें किसी न किसी को तो मारना ही पड़ेगा। और इस गेम में हिजामे काशिमो ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनाए थे, ओवर 200 पॉइंट्स। और इसी बंदे ने सबसे पहला रूल ऐड किया था 100 पॉइंट्स जमा कर कर। और अगर 100 पॉइंट्स की बात करें, हिरोमी हिगुरामा ने सबसे पहले 100 पॉइंट्स बनाए थे। ये पूरा आर्क इतादोरी और बाकी सोर्सरर्स के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। सारे सोर्सरर्स यही चाहते कि किसी तरह तो गोजो प्रिज्म रैम से रिलीज हो जाए और सारे सोर्सरर्स सुमी की फुशिगिरो को इस गेम में ज्वाइन करने से रोक रहे हैं और साथ ही साथ टेंजन को केंजाकू से बचा रहे हैं। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया चीज पता चली तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मेरे सारे वीडियो कुछ इसी तरह से होते हैं। और अगर तुम्हें जेजेके के कुछ और कंटेंट्स देखने हैं तो इन दोनों वीडियो में से एक वीडियो को क्लिक कर लो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। बाय।